खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। ओके दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह का हैप्पी बर्थडे वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर, और दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों काइनमास्टर ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है और इस प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 16:9 रेशियो में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की मिडिल में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों नीचे आपको एडिटिंग में आना है। एडिटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका डिफॉल्ट ड्यूरेशन और फोटो क्लिप इसका लेंथ आपको 4 सेकेंड रख के आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन में जाकर दोस्तों यहाँ पर आपको करीब 10 से 11 फोटो आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों आपको फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना जो फोटो ठीक से फेड में एडजस्ट नहीं है आपकी फ़ोटो में एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों इस पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाके दोस्तों आपको डबल एन में आपको इक्वल करके और दोस्तों आपकी फ्रेम में फ़ोटो को इस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है। पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाकर डबल एन में इक्वल करके और दोस्तों आपकी फ़ोटो फ्रेम में कुछ इस तरह से आपको एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से सारे फ़ोटो को फ्रेम में कुछ इस तरह से मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं और दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं सारे फ़ोटो को फ्रेम में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है। स्टार्टिंग पोजिशन में आने के बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो को मिडिल में जो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ए ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों आपको गेट मोड ऑप्शन में, और दोस्तों गेट मोड ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेट ऑन करके थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओएप ऑप्शन। दोस्तों इस ओएप ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करके दोस्तों बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो का मिडिल में जितना वाला प्लस वाला आइकन है दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 06 आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपका जितना फ़ोटो है दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो में क्लिक करना है और ट्रांजेक्शन इफेक्ट में जाके आपको 06 आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैं सारे फ़ोटो में ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं सारे फ़ोटो में ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट में ऐड कर लिया हूं, और ऐड करने के बाद दोस्तों आपको एंड पोजीशन का फ़ोटो का लेंथ थोड़ा कमाना है और स्टार्टिंग पोजीशन का भी फ़ोटो का लेंथ थोड़ा इस तरह से आपको कमाना है। कमा लेने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कॉर्नर में जो आपको एक एरो दिख रहा है इसमें दोस्तों क्लिक करना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वीडियो आपको कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो में एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विगनेट का। दोस्तों यहाँ पर आपका जितना फ़ोटो है दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फ़ोटो में एक बार आपको क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो विगनेट का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपको इसको इनेबल आपको कर लेना है। तो दोस्तों मैं सारे फ़ोटो का विगनेट कुछ इस तरह से मैं ऑन कर लिया हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से जाना पड़ेगा इस लेयर वाला ऑप्शन में, और दोस्तों लेयर वाला ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक इफेक्ट में आके और ब्लर वाला इफेक्ट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो के चारों ओर कुछ इस तरह से लगा के और दोस्तों इस सेटिंग ऑप्शन में आपको आना है, और आने के बाद दोस्तों इसका लेंथ आपको 3 सेकंड रख लेना है, और इसको वीडियो का एंड पोजिशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों प्रेजेंटेशन, दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों स्प्लिट ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको चेंज करके प्रेजेंटेशन ट्रांजेक्शन में जाके आपको स्प्लिट ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पर सारे फ़ोटो का ट्रांजेक्शन इफेक्ट मैं चेंज कर लिया हूँ, और दोस्तों चेंज कर लेने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है, और दोस्तों लेयर ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको बर्थडे टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है। दोस्तों बर्थडे टेम्पलेट वीडियो लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम ऑप्शन में जाके इसका वॉल्यूम आपको म्यूट कर लेना है। म्यूट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। दोस्तों इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको आपको स्क्रीन कर लेना है, और दोस्तों स्क्रीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में आपको जाके
इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और फुल स्क्रीन करके ओके करना है। और दोस्तों इस लेयर वाला ऑप्शन में आपको जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके दोस्तों आपको एक्सपोर्ट वाला वीडियो ऐड कर लेना है। दोस्तों एक्सपोर्ट वाला वीडियो आपको ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको फ्रेम दिख रहा है दोस्तों, इस फ्रेम में जो है आपको ए वाला वीडियो आपको ठीक से एडजस्टमेंट करके आपको बैठा लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको ए वाला वीडियो आपको ऐड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की कॉर्नर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड टू बैकवर्ड आपको कर लेना है। कर लेने के बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस गोल वाले फ्रेम में आपको एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लेने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों आपको लेयर वाला ऑप्शन में और मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको एक फ़ोटो ले लेना है। दोस्तों आपको एक फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्रॉपिंग ऑप्शन मिलेगा, इस क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके दोस्तों इसका मार्क आपको ऑन कर लेना है। दोस्तों मार्क्स ऑन करने के बाद दोस्तों शेप्स में जाके आपको गोल वाला शेप्स ले लेना है। तो दोस्तों गोल वाला शेप्स में जाके आपको ए वाला कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग कर लेना है। एडिटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गोल वाला जो फ्रेम है दोस्तों आपको ठीक से एडजस्टमेंट करके आपको ए वाला फ़ोटो आपको बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस कॉर्नर में आपको थ्री डॉट में आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों इस बार भी आपको सेंड टू बैकवर्ड आपको कर लेना है और इसका लेंथ वीडियो के एंड पोजीशन तक आपको ले जाके स्टार्टिंग पोजीशन में आपको आना है। फिर से दोस्तों लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके और दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शन में जाके आप जिसके नाम से वाला वीडियो एडिट कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर आपको ओन नाम आपको लिख लेना है। दोस्तों नाम लिख लेने के बाद दोस्तों डबल ए में जाके कोई एक फ्रंट सेलेक्ट करना है। कलर ऑप्शन में जाके आपको कोई एक अच्छा सा कलर ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसका लेंथ आपको कुछ इस तरह से थोड़ा जूम करके और दोस्तों इस पोजीशन में आपको बैठे लेना है और इसको दोस्तों वीडियो का एंड पोजीशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑडियो ऑप्शन में जाके आपको दोस्तों एक बर्थडे सॉन्ग ऐड कर लेना है। दोस्तों मैं बर्थडे सॉन्ग ऐड कर लिया हूँ और दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो पढ़ करके दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों ये वाला वीडियो जो एडिटिंग हुआ है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता। तो दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जो वीडियो एडिटिंग हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ।